हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, और हम आज देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि ये श्योर हो सके कि आपकी ही एनर्जी है, आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, काफ़ी दिनों से किया भी नहीं था तो वही करते हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा इंस्टा पे अगर फॉलो करना है तो मुझे उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप फॉलो करेंगे तो जब वहाँ पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ पे भी रीडिंग्स डालना शुरू करूँगी। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग डालना शुरू करूँगी, तो क्योंकि अभी वहाँ पे है ही नहीं लोग तो मैं कुछ नहीं डालती हूँ। सॉन्ग है वहाँ पे बहुत अच्छे, आप चाहे तो उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं बहुत खूबसूरत से सॉन्ग लगाती हूँ, किसको कौन से अच्छे लगते हैं तो ट्राई करके देखना। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं, शुरुआत इससे करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हेल्पलेस सिचुएशन है किसी की, क्योंकि ये कार्ड आ रहा था तो मैंने ले लिया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी हैं, लड़ाई है, हेल्पलेस हैं, सैड है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेज, म्यूचुअल लव यानी सोलमेट वाली कंडीशन है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट फिलहाल अभी फाइट्स हैं, हेल्पलेस सिचुएशन है, सैड है, लस्ट वाली एनर्जी है। लस्ट होता है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन होना, ठीक है, लेकिन प्यार की थोड़ी कमी होना, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं, तो सबसे पहले हम आप ही के लिए देख लेते हैं, ताकि ये हो पाए कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। मैं कम कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी, अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक थ्री कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तीनों मेजर अरकाना। जॉडिक साइन की अगर बात करें तो एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और यहाँ पे एनर्जी और किसकी है, पाइसिस और एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। बाकी फिर जॉडिक साइन जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग, अगर ये मेंटल स्टेटस अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपकी है। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा बुरा, अच्छा तो नहीं, थोड़ा सा मूड स्विंग्स बुरा ही है, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। आप वाटर साइन है, यहाँ पे इमोशनल है इस वक्त आप अंदर से, ठीक है। कुछ विश है जो आप मांग रहे हो, अपनी चाहते हो डिवाइन से कि वो पूरी हो आपकी, ऐसी आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे पैसे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो ये भी चीज़ हो सकती है, किसी का कुछ चोरी हो गया हो इस बात की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है।
और दूसरा, काफ़ी सारे लोग आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपको भड़का रहे हैं, अलग अलग तरीके की सलाह दे रहे हैं, या उन लोगों की वजह से, ठीक है, या तो उन लोगों के बारे में सोच के, या ज़्यादातर लोगों के केस में कुछ लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके की बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, या काफ़ी सारे लोगों से आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं, तो आपका मूड जो है ना वो ख़राब है, थोड़ा सा इमोशनल इस वक्त आप हैं अंदर से, लेकिन एम्प्रेस की कंडीशन में आप, तकलीफ है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, आपने बहुत हार्डशिप को फेस किया है, बट स्टिल आप बहुत मजबूती से एक वॉरियर की तरह अपनी ज़िंदगी में अपने थॉर्न के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट लोगों को दिखाने के लिए ऐसा है कि बहुत कंफर्टेबल है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं नहीं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से होल्ड में लिया हुआ है, ठीक है, मजबूती। लोगों के सामने आप इमोशनल हो, आप लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन में हो, आप तकलीफ में हो सकता है आप बीमार हो किसी तरीके से, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास उस वक्त हो सकती है, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, बट स्टिल आप अपने आपको इस तरीके से शो कर रहे हो कि नहीं, अभी भी आपके अंदर ये जज्बा है कि मैं ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी या चीज़ें सही हो जाएंगी, और लोगों की नज़र में आप एक मजबूत बन के बैठे हुए हो, लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ख़राब है, जो भी चीज़ें चल जरूर रही हैं, बट आप शो नहीं कर रहे हो लोगों को कि आप अंदर से इतना ब्रोकन, इतना वीक फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप अभी भी एक खूबसूरत, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, आप लुक वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको अच्छे से मेकअप, अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना हो, बहुत अच्छे से अपने आपको ड्रेसअप करना अच्छा लगता हो, ये चीज़ है आपकी। फाइनेंशियल आपकी ज़िंदगी में एक इशू हो सकता है इस वक्त, लोग हो सकता है लोगों से आपके फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बट आपकी इरादा अभी हो सकता है कुछ लोगों ने आपको छोड़ भी दिया हो, या आपसे झगड़े हुए हैं तो किसी की ईगो की वजह से आपने ही उन लोगों से स्टेप बैक ले लिया है, ये चीज़ है, ठीक है। लेफ्ट अकेलेपन की एनर्जी ज़रूर है आपके मन में इस वक्त, आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत हार्डशिप है आपकी ज़िंदगी में, बट कोई सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये दुख है आपको इस बात का ही यहाँ पे, पर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो कि वो सब कुछ कर देंगे, ठीक है, डिवाइन का ही सहारा है और उनके ऊपर ट्रस्ट, उन पे अपना ट्रस्ट दिखा रहे हो या उनसे ही अपनी बातों को शेयर कर रहे हो। आप नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हो, ठीक है, आप ऐसा चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोग आपकी ज़िंदगी से अपने खास खो गए हैं या खो जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है, या खो गए हैं ऐसे लोग, इस तरीके की एनर्जी है आपकी। एनर्जी थोड़ी लो है, अंदर से आप सैड हो बेसिकली, ठीक है, फाइट्स भी हुए हैं, सेड भी हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। आप इस वक्त आप हेल्पलेस और अकेलापन भी फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पैसे की भी दिक्कत हो सकती है और इमोशनली भी आप बहुत कमज़ोर हो इस वक्त, ये चीज़ें, सेहत भी ख़राब हो सकती है आपकी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। मुझे डिस्निया हो रहा है, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो बेसिकली। हो सकता है आपके पर्सन खुद भी इस रीडिंग को देख रहे हों, यहाँ पर यह एनर्जी है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप लोगों की ज़िंदगी में, पर्सन की ज़िंदगी में भी हैं, ठीक है, ये अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। आप एक दूसरे की एनर्जी को बेसिकली मिरर कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी हद तक एनर्जी वैसे ही है। चीटिंग हुई है किसी तरीके की, दुख तकलीफ निराशा है, बस उस दुख दर्द पीड़ा से दूर जाने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड आ गए थे इसलिए। प्लीज़ डिवाइन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, सिंगल कार्ड दीजिए डिवाइन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे भी एनर्जी है, आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, टूट गए हैं कहीं से, बहुत किसी ने इनको चीट किया है, ठीक है, और ये उसकी तरफ देख रहे हैं, कोई प्लान इनका फेल हुआ है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, इसी की वजह से ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, किसी को हो सकता है ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई एम्प्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। इनको कहीं से धोखा मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप बैक जिसको कहते हैं ना, इसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जिसके साथ ये बहुत मौज मजे कर रहे थे और बहुत इनका ये था कि बहुत अच्छा इनका कोई हो सकता है, इन्हें कहीं से फाइनेंशियली लॉस हुआ हो,
इन्होंने कहीं से मॉनिटरी लेवल पे कहीं पे अपनी कोई इन्वेस्टमेंट की हो, कोई रिश्ता ऐसा जोड़ा हो जहाँ से इनकी ज़िंदगी में ऐसा लगा हो कि इनको पैसे मिलेंगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी वेटिंग की एनर्जी रही और वहाँ से भी इनको वो चीज़ भी, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी इनकी चीज़ें ख़राब हुई हैं। कहीं से इनको बहुत सीवियर धोखा मिला है, पैसे वाइज मिला हो, इमोशंस वाइज मिला हो, जैसे भी मिला हो, इनकी ज़िंदगी में कहीं कुछ सेलिब्रेशन था जिसको जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, धोखा मिला है। और अब ये उसी दर्द उसी पीड़ा से दूर जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फिर से एक सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। चलिए मैं सब कुछ क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। ओह, दो कार्ड। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर हैं, ठीक है। एक तरफ क्या यार, शाम वाली रीडिंग में भी हुआ, अभी फिर हो गया, सॉरी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी हो सकती है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसे ये प्यार करते हैं, ठीक है। अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कौन है। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे ये कुछ नया फ्रूटफुल करना चाहते थे बट हुआ नहीं, ठीक है। या तो इस क्वीन ऑफ कप्स ने थर्ड पार्टी डाल दिया इनको, कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में आ गई, या इन्होंने डाला हो। बहरहाल हार्ट ब्रेक मिला है इनको यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, यहाँ कुछ ये नया करना चाहते थे बट हुआ नहीं। या तो इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो गई, या क्योंकि धोखे की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है कि शायद क्वीन ऑफ कप्स, जिससे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जहाँ ये बहुत प्यार कर रहे थे, उस व्यक्ति ने इनको धोखा दिया है और उसने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। प्लीज़ डिवाइन, सोशल मीडिया पे अपना एक अच्छा खासा समय बिता रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। यस, इनको किसी ने लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, अकेला छोड़ दिया है इस वक्त। यहाँ पे ये एनर्जी है और जिसकी वजह से ये वहाँ से क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, ये देखना चाहते हैं। तो ये किसी को सोशल मीडिया पे किसी के अकाउंट्स को, फर्जी अकाउंट से उसको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, क्लियर दिखाई देता है। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ में हुई हैं। उस पर्सन ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, धोखा दिया है कायदे से इनको। इन्होंने जो आपको दिया था एक्चुअली वो इनको मिल गया है। ये तो हमने पहले ही कर लिया था। अब थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ये बहुत डिप्लोमेटिक बन रहे हैं चीज़ों को, सब कुछ वेटिंग एनर्जी है इनकी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये सब कुछ बैलेंस कर लेंगे या बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद भी बैलेंस में आना चाहते हैं, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये। कैसे न कैसे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने अंदर जो टूट गया है उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं और चीज़ों को भी शायद बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सेवन, ओ अगेन बैलेंस की एनर्जी है और यहाँ पे चीज़ों, ये अभी भी जिस इंसान ने इनको धोखा दिया है वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये वेट कर रहे हैं पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इनको, ठीक है। वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, ये एनर्जी है इनकी। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इक्विटी करना चाहते हैं, बराबरी, जस्टिस। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज लियो सजिटेरियस भी है यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी इनकी पॉसिबल नहीं, या तो ये मैरिड हैं तो वहाँ पे इनकी मैरिज टूटती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई शादी या शादी का सपना ज़रूर टूट रहा है यहाँ पे, और बहुत बर्डन है इन्हें इस बात का, ठीक है। ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे, फैमिली हो सकती है, एक्शन लेना चाहते हैं कहीं पे भी, ठीक है, पर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन। देखें, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंसिस भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इस वजह से ये शायद जिस इंसान से प्यार करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को, उसको ये स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। सामने वाला बंदा, क्योंकि इनके ये क्वीन ऑफ, किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए, पैसे वाले बनने के लिए, और कई बार इनकी अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन के लिए भी हो सकता है, इनको आदत है इधर उधर फ्लर्ट करने की या मौज मजे करने की या लोगों के साथ ज़्यादा इंजॉय करने की, ठीक है। और इनको पैसा, तो पैसा और मौज मस्ती इनकी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इनके लिए मायने रखता है। तो इसी वजह से हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनसे नाराज़ हो गया है, जिसने इन्हें, इन्होंने उसको इस तरीके से ग्रांटेड लिया होगा और सामने वाले बंदे ने इनको सेम इनका वापस दे दिया है इनको। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदा इनको धोखा दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, थर्ड पार्टी इशू में डाल दिया है। कोई है जो इनसे गुस्सा है और अब उनसे बदला ले रहा है,
बराबर सेम वही चीज़ उनको दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है आपके पर्सन की, इस तरीके की एनर्जी इस वक्त हो रही है, और ये भी अब उसके साथ बराबरी करना चाहते हैं, उसके साथ चीज़ों को वैसे ही करना चाहते हैं। फाइट्स की एनर्जी है, आपके साथ भी फाइट्स हो सकती हैं, ये चीज़ है। मतलब इनको लग भी रहा है कि सामने वाला बंदा भी इनको वही सेम दे रहा है, और ये खुद भी बराबरी, अभी भी बराबरी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन का नाम दोहराइए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकलती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्लैरिफाई करती हूँ, एनर्जी तो वही है जो सेम है। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आपके साथ फाइट हुआ है इनका, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन टू ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन कन्फ्यूज हैं, इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर है, फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंसिस एक बहुत बड़ा इशू आप लोगों के केस में हो सकता है, ठीक है। मदर इशू हो सकता है, जहाँ पे मदर इनकी राजी नहीं है, यहाँ पे इन्हें पाइसिस की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन फिलहाल आपको कोई कमिटमेंट, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आओ, या तो आपके पर्सन आपसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, या इनको आप इग्नोर मार रहे हो, आप अपनी तरफ से इन्हें कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, या आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का एक्चुअली वेट कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके अलावा भी कोई और इनकी ज़िंदगी में है, एक तरफ तो फैमिली है ही है, वो भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई लविंग पार्टनर भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है आपके अलावा भी, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये प्रपोजल अभी आपको नहीं, आपका एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज अभी भी ये कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं, और आपकी तरफ से भी अब इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनका प्रपोजल अगर ये दें भी तो आप शायद लोगे नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं लोगे, ठीक है। आप भी अब कन्फ्यूज़ हो गए हो इनको लेकर के, सेम कंडीशन, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपको दिया था वही चीज़ें अब आप इनको वापस करोगे। ये कन्फ्यूज़ थे, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इन्होंने आपको होल्ड पे रखा हुआ था, अब सेम ट्रीटमेंट आप इनको देने वाले हो, ठीक है। अब आप भी शायद इनको ना तो कोई मैसेज करते हो, ना कोई कॉल करते हो, ना कम्युनिकेशन करते हो। ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए होगी जो लोग अब सेल्फ लव की कंडीशन में हैं, जो एम्प्रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो अब अपने पर्सन के पीछे ज़्यादा भाग नहीं रहे हैं। अगर आप अभी भी अपने पर्सन को दिन में 10 बार फ़ोन मैसेज इधर उधर से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। मैं पहले भी आपकी एनर्जी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। जो लोग एम्प्रेस की पोजीशन में है, सिर्फ उनके लिए रीडिंग है। आपके पर्सन आपके मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप सेम उनको वापस करने वाले हो। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, हालांकि ये अभी भी आपको ऑफर देने की कंडीशन में खुद भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, यही हेल्पलेस सिचुएशन है इनकी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टू ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड हैं तो ये वहाँ पे इन्हें शादी तोड़नी पड़ेगी या शादी चल नहीं पाएगी, तो इनकी ये कंडीशन हो सकती है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये आपके साथ सिचुएशन हो सकती है कि आपके और जो क्वीन ऑफ कप्स है उसके बीच में जगल कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि अब ये शादी कैसे तोड़ें, आपके साथ नहीं तोड़ना चाहते, मतलब आपसे भी लगाव है, तोड़ना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को नहीं ख़राब करना चाहते, उधर उस इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इसीलिए चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है,
तो इनकी कंडीशन ये हो रही है कि ये वहाँ पे उस इंसान के साथ में उसके साथ भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते और आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है या तो मैरिज टूट रही है कहीं से या मैरिज का सपना टूट रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, या तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल से एक बहुत बड़ा इशू है, इसी की वजह से ये चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या तो इन्हें दोनों तरफ जिम्मेदारी लेनी है, अगर फैमिली की लेनी है, अपने हस्बैंड वाइफ की लेनी है, बच्चों की लेनी है या आपकी लेनी है, किसी भी सिचुएशन, ये अभी हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इनकी अभी वेटिंग की एनर्जी है, ये कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कोई जॉब वॉब किया हो, उसके मतलब जॉब के लिए किया हो या फिर कहीं बिजनेस में लगाया हो। ठीक है, किसी के साथ बिजनेस कोलैब किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, और हो सकता है वहीं से इनको घाटा मिला हो। ये किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ जुड़े हों, इन्होंने कोई बिजनेस चालू किया हो या कुछ भी ऐसा किया हो जहाँ से इन्हें लगा होगा कि पैसा मिलेगा, बट इन्हें वहाँ से पैसा नहीं मिला, इन्हें धोखा मिला है, इस तरीके की एनर्जी है। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द मून, कोई इनकी प्लानिंग ज़रूर फेल हुई है पैसे के रिगार्डिंग, द मून को क्लैरिफाई करिए। द मून क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या उधर थर्ड पार्टी कोई और अगर है उनकी ज़िंदगी में, जैसे कोई लविंग पर्सन है, उनकी वाइफ है या जो भी है, तो ये किसी की भी क्वीन ऑफ, कोई एक फेमिनाइन फिगर, एक फीमेल फिगर है कोई, जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से ये जिसको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको, बट ये दे नहीं पा रहे हैं। या तो आप खुद ही इतने गुस्सा हो कि आप इनको अपने पास आने ही नहीं दे रहे हो, इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। ठीक है, आप इनको सेम बिहेव करोगे जो इन्होंने करा था, हालांकि इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने का है, ठीक करने का, बट इनको लग रहा है कि अब आप गुस्सा हो इनको मौका ही नहीं दोगे। या दूसरी तरह, या ये दोनों सिचुएशन भी हो सकती हैं कि जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन था, अगर ये किसी और के पास गए थे तो हो सकता है वो इंसान भी नाराज़ है, तो वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन है कि ये वहाँ पे भी नहीं दे पा रहे। तीसरी तरफ इनकी घर की फैमिली, इनकी मदर इशू हो सकती है, या कोई मदर फिगर, भाभी दीदी दादी नानी चाची कोई हो सकता है जिसको ये बहुत सुनते हैं, उनका ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये कोई मच्योर वुमेन का है, कोई मतलब मच्योर वुमेन है, जो भी है एल्डरली हो सकता है या कोई बड़ा है, मच्योर है मतलब, ठीक है, 30+ होगा, कोई भी जो भी होगा वो इंसान है जो नाराज है, कोई यंग एज नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, उसकी एनर्जी है कि जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इनके ये ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। मदर भी हो सकती हैं, मदर फिगर हो सकता है, या आपकी एनर्जी हो सकती है, या सामने वाली थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, बट जो भी है मच्योर है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ये भी थोड़ा सा गुस्से में है बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, इन्हें धोखा मिला है, हर्ट है, इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पावर में आना चाहते हैं, पावर तो कम, गुस्सा ही मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, और अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने फैमिली में अगर बात किया है अपने रिश्ते के रिगार्डिंग और वहाँ इशू क्रिएट हुए हैं, तो ये उनसे फाइट बैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एनर्जी भी दिखाई देती है, ये थोड़े से पावर में है और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इनका अभी भी इरादा बैलेंस करने का ही है, ये चीज़ों को हील ही करना चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ जो बिहेव करके गए थे वो कर्मा इनको मिल गया, ये कर्मा का कार्ड होता है, इनके साथ वो चीज़ें मिल गई हैं इनको, तो अब ये वापस फिर से आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इन्हें अपना सबक मिल गया है। ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे वो हीलिंग चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आपको दो एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन आपके पास इसलिए भी आना चाहते हैं बिकॉज ये अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, बिकॉज उनको बहुत धोखा मिला है कहीं से, इस वक्त ये इतने ज़्यादा ब्रोकन है, इतने ज़्यादा टूटे हैं, तो इस वक्त इन्हें आपका सहारा चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए इनको, जो आप पहले इनको देते रहे हो। हालांकि जब ये आपके पास रहे हैं तो इन्होंने उस प्यार की वैल्यू नहीं करी, क्योंकि अगर वैल्यू करी होती तो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में नहीं आती, बट ये थर्ड पार्टी को लेकर के आए, तब इन्होंने आपके प्यार को ग्रांटेड लिया है। लेकिन अब क्योंकि जब इन्हें धोखा मिला है, फाइनेंशियल वाइज भी मिला है, इमोशंस वाइज भी मिला है, इस वक्त ये बहुत टूटे हुए फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको सेम ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपको दिया था, वही सेम ट्रीटमेंट सामने वाले पर्सन ने इनको दिया है, तो अब इन्हें अपना कर्मा भी, अब ये खुद को हील करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं ताकि इन्हें थोड़ा सा हीलिंग मिले। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अभी भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक करेंगे, आपको इमोशंस अपने नहीं दिखाना चाहेंगे, हालांकि आप दोनों का प्यार जो है वो सोल लेवल का प्यार है
और आप एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, बट इस वक्त भी आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों ही हैं जो कपल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि आपके साथ एक इनका एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और आप दोनों ही शायद अपने अपने इमोशंस को अब होल्ड बैक कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, अपने अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर रहे हो प्यार को, क्योंकि इन्होंने तो गलत किया है इसलिए ये भी नहीं जाहिर कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, अभी ये कन्फ्यूज़ भी हैं कि आपको आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, आपकी तरफ से ये है कि आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो, आप इतने ज़्यादा तकलीफ में रहे हो कि आपको अब ऐसा लगता है कि अब क्या ही बोलना है किसी चीज़ को। क्योंकि जब हम किसी को अपना 100% एफर्ट दे देते हैं, उसके बाद भी कोई इंसान हमसे चीट करता है, हमें गलत करता है, मतलब साबित करता है, तो फिर दिल टूटता है, फिर ये लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उस हिसाब। तो दिल चाह के भी हम किसी को अपना प्यार दिखाना नहीं चाहते या बताना ही नहीं चाहते, उस बारे में बात करने का फिर मन ही नहीं करता, ठीक है। ये एनर्जी है, बट यहाँ पे कपल एनर्जी आई, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन अब फील करते हैं कि आपका और उनका प्यार जो है ना, ये म्यूचुअल लव है। बड़े सिक्वेंस में कार्ड हैं, देखिए आप। टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स है, उसके जस्ट बाद क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन की हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, जहाँ से इनको ये एहसास मिला है, ट्रिगर मिला है, इनको एहसास हुआ है कि नहीं, आप इनके डेस्टाइंड पार्टनर हो। शायद इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया था, इसीलिए इनको अपना कर्मा मिला है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर ये दूर रहते हैं, ये फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की हो सकता है, या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ ज़रूर रही है, उसी को लेकर के आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स हुई हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन पैसों पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना खो दिया है, कोई बहुत लविंग, कोई बहुत प्यारा इंसान अपनी ज़िंदगी से खो दिया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। बहुत कंफ्यूज हैं, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर से चीज़ों को आपके साथ सही करना चाहते हैं, जो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी थी उसमें एक न्यू बिगिनिंग लाना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इस वक्त इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनको रिग्रेट है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये सक्सेस ये कैसे लेकर के आए, ठीक है। बट इनका इरादा है सक्सेस लाने का और ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। बट मैरिज से पहले, मैरिज के साथ साथ ये किंग ऑफ पेंटिकल मतलब पैसे पे भी काम करना चाहते हैं। कोई लीगल इशू है, अगर किसी से डिवोर्स लेना है, सपोज आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, तो ये वहाँ से हो सकता है लीगली या डिवोर्स लेना चाहें। ये अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं कि वहाँ से डिवोर्स ये आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये हो सकता है किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, या फिर किसी के साथ कोई इनका अदर केस भी हो सकता है कि कोई केस वेस लग गया हो जहाँ ये लीगली फंस गए हों बहुत ज़्यादा, या फिर वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर किसी मैरिज में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक मैरिज में, जहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो हो सकता है किसी को अगर डिवोर्स देना है तो हो सकता है उन्हें पैसा देना हो उसको, तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में ये आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी में पहले पैसा लाना चाहते हैं, ये चीज़ें ये एडवाइस ले रहे हैं लोगों से, ये भी चीज़ है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, जेमिनी हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन लियो हो सकते हैं सिंह राशि, आपको भूल नहीं सकते हैं, ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, विश कर रहे हैं आप, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, रिग्रेट है इन्होंने जो कुछ भी किया है उन सब चीज़ों के लिए, तकलीफ में है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा, हील चाहते हैं, जहाँ गए थे वहाँ से भी इनको तकलीफ मिली है, तो ये फिर आपके पास भी आना चाहते हैं, बट शायद अब आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ये इनका प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को लिए क्या उनकी करेंट फीलिंग है इस डेक से बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कम्युनिटी, आप लोगों के केस में हो सकता है सोसाइटी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इसी वजह से शायद इनकी फैमिली जो है इनकी राजी नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। 39 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 9, 3, 39, 1, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
कम्युनिटी की एनर्जी है, लोग हो सकता है समाज सोसाइटी इन लोगों से बहुत लड़ना पड़ेगा, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं है, या डिवोर्स लेना है कहीं से तो डिवोर्स के लिए भी हो सकता है समाज इन्हें बहुत थूकेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ें। तो कुछ ऐसे इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, या तो वो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि उनको या फैमिली को छोड़ते हैं तो भी ये कंडीशन आएगी कि मतलब अपने प्यार के लिए तुमने फैमिली को छोड़ दिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई, या अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चे हैं तो उनको नहीं छोड़ सकते, लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जी है। या आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कोई इशू हो सकता है, आप लोग कोई मैरिड हो सकता है, किसी के बच्चे हो सकते हैं, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, एक एज गैप हो सकता है, अलग अलग रिलीजन से संबंधित हो सकते हैं, कुछ बहुत मेजर इशू है आप लोगों के बीच में, जहाँ पे हेल्पलेस वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए आ रही है। समाज सोसाइटी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपके पर्सन आपके लिए एक मैन मेल बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में एक मैन मेल बने और वो आपको वो हर चीज़ दें जो आप चाहते हो, ठीक है, आपको वो मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ आपको दे पाएँ जो वो देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो उन्हें देना चाहिए, ठीक है, वो देना चाहते हैं। चेंज की एनर्जी है, ठीक है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की हो रही है कि वो झूल रहे हैं, या तो वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, उनका इरादा है कि वो आपके साथ चीज़ों को सही करें, या फिर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देने वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, कि कोई इंसान यहाँ से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया है। एक इंसान एक जगह छोड़ के जा रहा है जहाँ से उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, तो आपके पर्सन की इसी तरीके की एनर्जी है। हो सकता है सोसाइटी समाज के दबाव में आकर के इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जहाँ आपके पर्सन एक ज़िम्मेदार इंसान बनना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी है, ठीक है। हालांकि मैन मेल की एनर्जी एक कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी को दिखाता है, बट यहाँ पे एनर्जी इनकी इस तरीके की हो रही है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, इनका कभी इनका इरादा है कि आपके साथ रहें, कभी इनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म है, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शायद अब आप कभी वापस नहीं आओगे इनकी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ इन्हें भी लगता है कि शायद इन्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, यही शायद सबके लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। हाउस बन तो सकता है आपका, लेकिन बहुत सारी दुश्वारियां हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, रास्ता इजी नहीं है आपका। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। बैलेंस करने की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। 8 नंबर एंड 11 नंबर आपको अपने पैसे पर काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हो सकता है ये टाइम आप लोगों के लिए पैसे पे काम करने के लिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियल अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी तो चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। पैसा अगर आप लोगों की ज़िंदगी में सही होगा तो ये भी चीज़ें सही हो जाएंगी। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लें, उसमें भी बेस चक्र की रीडिंग आई थी। बेस चक्र आपके फाइनेंसिस को ही दिखाता है, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। बैलेंस का नंबर है, बैलेंस 11 नंबर 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी दिखाती है कि जहाँ पे आपको हर तरीके से बैलेंस बनाना है, ठीक है, फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली सोशली हर तरीके से, ठीक है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इमोशनली भी आप एकदम बैलेंस्ड होने चाहिए, फाइनेंशियली भी होने चाहिए, ताकत भी आपके पास होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए इस वक्त यहाँ पे ये एनर्जी। तो खुद को बैलेंस करो, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिलेंगी जब आप खुद को बैलेंस करेंगे, तो अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर इस वक्त आप खुद को बहुत गिव अप कर रहे हो, खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत अकेलापन है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि खुद की शक्तियों को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। आपको इस वक्त मटेरियल एंड प्रॉस्पेरिटी, इस वक्त हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल वाइज अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो फाइनेंसिस से रिलेटेड है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। डिवाइन इस वक्त आपको शायद ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त आप खुद को बैलेंस करो हर तरीके से अपने आप को, और अपने फाइनेंसिस पे काम करो, प्यार अपने आप आ जाएगा ज़िंदगी में जब आना होगा। प्यार यहाँ पे पावर की एनर्जी है, यानी कि आपको अपनी पावर को पहचानना है। अगर आप गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें शेर बना के भेजा है, अपने अंदर शेर छुपा है, उसको देखो आप, लॉयन हो आप, ठीक है। तो उस चीज़ को, अपनी पावर को आपको पहचानना है और खुद को बैलेंस करना है। जैसे ही आप खुद को बैलेंस कर लोगे, वैसे ही आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इस वक्त आप लोगों को, शायद दोनों को ही, क्योंकि 11 की एनर्जी है, 11 11, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आप लोग, कनेक्शन दिख रहा है, लवर्स की एनर्जी आई है, सोलमेट हो सकते हैं आप। आपके पर्सन को और आपको शायद इंडिविजुअली अपने अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है, खुद को एक एक करके अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है, हर तरीके से दोनों लोग।
तभी, क्योंकि एनर्जी भी आप एक दूसरे की मिरर कर रहे हो, आपकी ये एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप दोनों खुद को इंडिविजुअली अभी अलग हो तो अलग ही रहो, ठीक है, खुद को बैलेंस करो। जब आप बैलेंस हो जाओगे तब चीज़ों को लेकर के आना, क्योंकि अभी हो सकता है शायद आप उस स्टेज में ही नहीं जहाँ आप एक दूसरे के रिश्ते को समझ सको, एक दूसरे के साथ न्याय कर सको, ना तो आप कर सकते हो ना ही आपके पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है आपको जो अभी सीखने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन बताएं। रीडिंग अगर रिजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन। यू कॉन्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो कि बहुत सारी रातें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। वो बहुत दुखी है, परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। पर्सन आपके आपसे प्यार करते हैं, ये लवर्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव, सोलमेट और लवर्स वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ट्रस्ट मी देर इज़ नो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके बीच आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। कोई लविंग थर्ड पार्टी को लेकर के हो सकता है आप लोगों में इशूज़ हुए हैं, तो आपके पर्सन आपको एहसास कराना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, यस आपके पर्सन ने पास्ट में थर्ड पार्टी में डाला है, इस बात का उनको गिल्ट है, तकलीफ है, और अब वो एहसास दिलाना चाहते हैं आपको, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वो आपके बगैर खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़ के जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप जाओ, ठीक है। इसलिए डिवाइन आपको एक सिग्नल देते हैं कि अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़ते हो तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ, यस वो तो शुरुआत से ही दिख रहा है। मैंने कहा ना आपके पर्सन आपसे हीलिंग ज़रूर चाहते हैं, बट अभी भी वो कन्फ्यूज हैं, वो अभी भी इस चीज़ पे नहीं पहुँचे हैं कि वो आपको ये बोल सकें कि नहीं लो मैं तुम्हें स्टेबल कमिटमेंट दे रहा हूँ, इस तरीके की सिचुएशन में नहीं है, वो अभी भी हेल्पलेस वाली सिचुएशन में है और दुखी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स, यस आपके पर्सन को एहसास है कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा, उस वक्त आपको अकेला छोड़ा जब आपको उनके साथ की ज़रूरत थी, तब आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा किसी और के लिए, ठीक है। इस बात का उनको बहुत दुख है और वो सॉरी बोलना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन इस बात को फील करते हैं कि वो आप ट्विन फ्लेम है। हो सकता है जब वो आपको छोड़ के गए तब उन्हें इस रिश्ते पर यकीन नहीं था, उन्हें इस जर्नी के बारे में नहीं पता था, पर अब उन्हें लगता है कि शायद उन्हें एहसास हुआ है कि शायद आपके साथ उनका एक सोल बॉन्ड है, ठीक है। ट्विन फ्लेम आप उनके हो सकते हो, इसी वजह से वो अब आपके साथ वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। येलो हार्ट कमेंट करो, ठीक है। अब क्या रह गया था, गाइडेंस रह गई, चार्म्स निकाल लूँ, चलो चार्म्स निकाल लेती हूँ। येलो हार्ट कमेंट में करो, ठीक है, और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो प्लीज़ चांस में बताइए। आप या हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं गुस्सा है आपसे और आप भी गुस्सा हो। डोंट इग्नोर, यस आप गुस्सा हो और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप नहीं, गुस्सा तो वो खुद भी हैं लेकिन उनकी गुस्सा दिखाने की भी औकात नहीं है इसलिए दिखा नहीं पा रहे हैं। डोंट इग्नोर की एनर्जी है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इग्नोर मत करो, ठीक है। रिंग, ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, इनके दिल में है, ठीक है। कुछ लोगों को प्रपोजल आ भी सकता है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक हो गई होंगी, जिनके पर्सन मेच्योर होंगे, स्टेबल हो गए होंगे, उनके लिए रिंग आ सकती है आपको। तो जिनको आए जिनको, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। औरों के लिए भी दुआ करना। सॉरी, आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं बिकॉज उन्होंने, उन्हें मालूम है कि उन्होंने किसी और के लिए आपको अकेला छोड़ा था, उन्हें एहसास है कि उन्होंने कितना दर्द आपको दिया क्योंकि थर्ड पार्टनी ने उनको अकेला छोड़ा है, तो उनको एहसास हुआ, उनको कर्मा मिला, तो उनको समझ में आया कि आपको कितना दर्द हुआ होगा जब उन्होंने आपको छोड़ा होगा, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन मैंने कहा कर्मा और वही कह, ये वही सेजिटेरियस की एनर्जी ही यहाँ पे आ गई, टेम्परेंस की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन को एहसास हुआ है, उनको उनका कर्मा मिला है, आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया था वही सेम दर्द थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया है। मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। सेक्सी, ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है इस वक्त, ठीक है। फिजिकली बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इनको आपसे। कैंसर की एनर्जी है, कर्क राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। पाइसिस हो सकते हैं, पाइसिस बहुत स्ट्रांग आया है, ठीक है। पाइसिस की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। कॉल मी, आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लव,
म्यूचुअल लव आप लोगों का डेफिनेटली है। देखो लव यहाँ पे भी आया था, म्यूचुअल लव आया, कार्ड्स में भी आया, यहाँ पे भी आया, सारे कार्ड्स में लव वर्ड्स की, सोलमेट की एनर्जी आई। तो प्यार तो डेफिनेटली आप लोग एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ एक लव बॉन्ड से शेयर करते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूवर्स के रीडिंग को क्लेम करो, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। सेल्फ लव में आओ, अपने चक्रास को बैलेंस करो और येलो हार्ट बनाओ कमेंट में, येलो हार्ट करो, देखते हैं आज कितने येलो हार्ट आते हैं कमेंट्स में। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो लोग भी हमारी रीडिंग को पसंद करते हैं येलो हार्ट ज़रूर देंगे, प्लीज़ डिवाइन, और जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो रेड हार्ट देंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगले एक हफ्ते तक आपको वॉकिंग मेडिटेशन करना है। वॉकिंग मेडिटेशन क्या होता है, जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन जैसे करते हैं वैसे ही वॉकिंग मेडिटेशन होता है, जहाँ आप कोई म्यूजिक नहीं सुनेंगे, जहाँ आप किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, आप अकेले में खुद को नेचर के बीच में जाइए और वॉक करते रहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप शांति को फील करें। जो मेडिटेशन आप बैठ के करते हो वही ऑलमोस्ट चलते चलते आपको मेडिटेशन करना है, मतलब आपको किसी से बात नहीं करनी है, कोई म्यूज़िक नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना, शांति से अकेले में चलते चलते अपने आप को उस एनर्जी को जो आप सराउंडिंग में हो, जहाँ आपके फूल पत्ती और घास जो भी है ना, नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए आपको शांत से अपने आप को जैसे आप मेडिटेशन में करते हो वैसे ही चलते चलते मेडिटेशन आपको अगले एक हफ्ते तक करना है, क्योंकि आप इस वक्त शायद अंदर से बहुत टूटे हुए हो, ठीक है, आप दिखा नहीं रहे हो और शायद आप खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे हो कि नहीं हम तो सही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर से आप टूटे हुए हो उस वक्त, ठीक है, क्योंकि डिवाइन से कुछ नहीं छुपता है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, बिकॉज बहुत क्लियर एनर्जी है आज। इफ़ यू बिलीव सक्सेस, सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है, तो यहाँ पर सक्सेस आपके रिश्ते में भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी चीज़ें, बस आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, आपको भरोसा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो यकीन मानिए कि ज़रूर ठीक हो जाएंगी। मैजिशियन की एनर्जी बार बार आई है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप एक जो आपके पर्सन को फील हो रहा है उनके में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, आपके में भी आया है, ठीक है, तो इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो नेगेटिव नहीं करना है, सक्सेस को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो। इस वक्त अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आप स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपको करनी है उसको मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो, हर तरीके से स्पिरिचुअली भी आपको सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियली भी आपको सक्सेस मिलेगी और आपको इमोशनली भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। इस वक्त शायद आपने गिव अप कर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना तो सक्सेस आ सकती है, ना आपको ज़िंदगी में कभी आपका कैरियर सेटल होगा, पैसे आएंगे, ना ही आपको ज़िंदगी में कभी प्यार मिल सकता है। तो अगर आप अंदर से इतना ब्रोकन फील कर रहे हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं और आपको उन्होंने इंसान के रूप में एक शेर बना के भेजा है, ठीक है। आप एक लॉयन है, लॉयनेस हैं आप, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना उनको समझो, खुद को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, ठीक है, खुद को हील करो, सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है। तो मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को। और तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।